नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध की। वसंतपुर नॉर्थ इलाके में गुटखा थूकने से मना करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोपी युवक ने पीड़ित के चेहरे पर पहले मुक्का मारा जिससे उसके दांत टूटे, उसके बाद पीड़ित के होंठ को दांत से चबा लिया, इससे उनका होंठ कटकर अलग हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित किसी तरह अस्पताल पहुंचा जहां से पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, आरोपी की तलाश में भी जुट गई। घायल की पहचान ओम प्रकाश, जिसकी उम्र 54 वर्ष बताई जा रही है, उसके रूप में हुई। मूलतः बिहार के रहने वाले ओम प्रकाश परिवार के साथ महिपालपुर में किराए के मकान में रह रहे। परिवार में पत्नी, एक बेटा और बेटी है। वह मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES में चौकीदारी का काम करते हैं। ओम प्रकाश ने बताया कि वह जिस मकान में रहते हैं उसके केयर टेकर भी वही है। उनके पड़ोस में एक ऑटो चालक रहता है, उसे गुटखा खाने की आदत है। वह उनकी छत पर आकर गुटखा खाता है और इधर उधर थूकता है। वह उसे कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी अनसुना कर देता है। उन्होंने बताया कि उसकी दूसरी पत्नी उसके मकान में किराए पर रहती है, वह उसी से मिलने के लिए आया करता है। 4 अक्टूबर की सुबह आरोपी छत पर गुटखा थूक रहा था। उनके मना करने पर वह उनके साथ गाली गलौज करने लगा। 5 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे वह काम से घर लौटे, तभी उन्हें रास्ते में आरोपी मिल गया। आरोपी ने दोबारा उनके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने उनके मुंह पर मुक्का मार दिया जिससे उनके दांत टूट गए। इससे डरकर वह भागने लगे। आरोपी ने उनका पीछा किया और पकड़ लिया। इसी दौरान आरोपी ने अपने दांतों से ओट चबा ली। कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।